दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है क्यूट कपल को दिखाते हुए। हस्बैंड निक और वाइफ मैगी अपने दो बच्चों के साथ हंसी खुशी इस घर में रहते थे जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तभी अचानक से मैगी के चेस्ट में पेन होता है और ये पेन इतना बढ़ जाता है कि मैगी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। मैगी की तबीयत खराब होने की वजह से घर में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। बच्चों को संभालने के लिए भी कोई नहीं होता, घर की सफाई का भी काम होता है, इसलिए निक एक रोबोट को घर लाने का फैसला करता है ताकि उससे घर के सारे काम करा सके। निक अपनी बेटी को लेकर एक बड़ी सी कंपनी में जाता है जहाँ बहुत सारे AI रोबोट्स मौजूद थे। यहाँ पर एक आदमी निक को अलग अलग रोबोट्स दिखाता है, लेकिन निक की बेटी एक फीमेल रोबोट की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसी के पास चली जाती है। ये रोबोट देखने में काफी खूबसूरत थी। निक की बेटी इस रोबोट को लेने की जिद करने लगती है। निक भी इस रोबोट से थोड़ी बहुत बातचीत करता है और अपनी बेटी के कहने पर इस रोबोट को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद निक अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है और अगले दिन ये रोबोट अपना सामान लेकर निक के घर रहने आ जाती है। और इसका मेन यूजर होता है निक, जिसकी बातों को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, यानी निक की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। घर में आने के बाद ये घर को काफी अच्छे से संभालती है, खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक पूरी जिम्मेदारी यही उठाती है और साथ ही निक के बच्चों की भी देखभाल करती है और पूरे रूटीन को अच्छे से समझ लेती है। घर पर अब ये रोबोट, निक और दोनों बच्चे होते हैं, वहीं मैगी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। निक की बेटी को ये रोबोट बहुत पसंद आती है और बातों के दौरान निक अपनी बेटी के साथ मिलकर इस रोबोट को नया नाम देता है एलिस। इसके बाद सभी लोग इसे एलिस के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। एलिस ने एक अच्छी वाइफ की तरह पूरे घर को और बच्चों को संभाल लिया था और रात में जब सब साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तो निक की बेटी एलिस के बनाए हुए खाने की तारीफ करती है और निक को भी एलिस का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। रात में जब एलिस खुद को चार्ज कर रही होती है तो निक की बेटी आयला किचन में ऊपर रखे अचार के कंटेनर को उतारने की कोशिश करती है। ये कांच का कंटेनर आयला पर गिरने ही वाला होता है कि जल्दी से एलिस यहाँ पर आकर इसको बचा लेती है। आयला तो जख्मी नहीं होती लेकिन एलिस को थोड़ी चोट आ जाती है और तभी यहाँ पर निक भी आ जाता है और आयला को संभालकर एलिस को रिपेयरिंग के लिए रूम में भेज देता है। बाद में जब एलिस का हालचाल पूछने के लिए रूम में जाता है तो एलिस बहुत छोटे छोटे कपड़ों में होती है जो खुद को रिपेयर कर रही होती है। निक एलिस को इन कपड़ों में देखकर थोड़ा हेजिटेट महसूस करता है और यहाँ पर एलिस का हाल पूछकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है। अगले दिन निक आयला को लेकर मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और एलिस भी निक के बेटे को लेकर यहाँ पे आ जाती है। मैगी को हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए यहाँ रखा गया था लेकिन कोई भी डोनर ना मिलने की वजह से मैगी को नया हार्ट नहीं मिल पाता। मजबूरन मैगी को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। मैगी से मिलने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम कुछ वर्कर्स के साथ निक को देखते हैं जो कि कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर था। निक अपने सीनियर से काफी नाराज था क्योंकि वो कंपनी के वर्कर्स को निकाल रहा था। सीनियर कहता है कि अब इन वर्कर्स की जगह रोबोट्स काम करेंगे। ये सुनकर निक भी कंपनी से जाने का फैसला करता है लेकिन सीनियर किसी तरह से इसको मना लेता है। रात को हम निक को घर पर रिपेयरिंग का काम करते हुए देखते हैं। निक को देखने के लिए एलिस भी इसके पास आती है और निक को रिलैक्स फील कराने के लिए उसे ड्रिंक सर्व करती है। निक भी मना नहीं करता और एक इमोशनल मूवी देखने बैठ जाता है जो कि एक लव स्टोरी भी थी। निक एलिस से इस मूवी के बारे में पूछता है, क्या तुमने इसे पहले देखा है? इस पर एलिस कहती है, हाँ, मेरे अंदर इस मूवी से रिलेटेड कुछ डेटा स्टोर है। निक उस पुराने डेटा को डिलीट करने के ऑर्डर्स देता है और इस मूवी को दोबारा देखने को कहता है। प्राइमरी यूजर होने की वजह से एलिस निक की हर बात मानती है और मूवी देखना शुरू कर देती है। इसी बीच निक को कॉल आता है जिसमें मैगी उसे बताती है कि डोनर मिल गया है। ये बात सुनकर निक बहुत खुश होता है और जल्दी से मैगी से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मैगी के ऑपरेशन में अभी भी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि अभी तक डोनर यहाँ पे नहीं आया था। ये देखकर निक थोड़ा टेंशन में आ जाता है और जब डॉक्टर से बात करने जाता है तो इसे पता चलता है कि डोनर जिस जगह था वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें उस डोनर की भी मौत हो गई है, यानी अब मैगी का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, इसलिए दूसरे डोनर के मिलने तक मैगी को इस हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जिससे निक और मैगी दोनों की ही हिम्मत टूट जाती है। इसी दुख में निक अकेला गैराज में बैठा होता है और शराब पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही एलिस यहाँ पे आ जाती है और निक को शराब पीने से रोकने लगती है। एलिस निक को कहती है कि तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कहते हुए एलिस निक को रोक देती है और नोटिस करती है कि निक का ब्लड प्रेशर काफी हाई हो रहा है। ये देखकर एलिस निक को रिलैक्स फील कराने के लिए उसके क्लोज आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन निक एलिस को मना करके यहाँ से चला जाता है। निक जब अपनी बेटी के कमरे में होता है तो उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। इस फ्रेम में पहले मैगी और निक की तस्वीर लगी हुई थी लेकिन अब एलिस ने इसे चेंज कर दिया था। ये देखकर निक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एलिस के रूम में जाकर उसे फिर से वहाँ पहले वाली फोटो लगाने को कहता है। अगले सीन में हम निक को एक बार में देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ था और ड्रिंक कर रहा था। इन्हीं के साथ मॉन्टी नाम का एक शख्स भी था जो कि निक का बेस्ट फ्रेंड था और इसी कंपनी में काम करता था।
लेकिन अब रोबोट की वजह से इसे कंपनी से निकाल दिया गया था। मोंटी सी कंपनी में चुपके से अंदर जाता है और निक का पासवर्ड यूज करते हुए एक बड़े से दरवाजे को ओपन करता है जिसमें कई सारे रोबोट्स मौजूद थे। ये सभी वर्कर्स की जगह काम करने के लिए लाए गए थे। इन्हीं में से एक को मोंटी मार देता है, लेकिन निक को इस बात की खबर नहीं होती कि मोंटी ने उसके पासवर्ड का इस्तेमाल करके रोबोट को मार दिया है। इसके बाद हम निक को शावर लेते हुए देखते हैं। कुछ देर में एलिस भी यहाँ पे आ जाती है और निक को टॉवल देती है। निक जब एलिस को देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि एलिस ने मैगी की ड्रेस पहनी हुई थी। निक इसे चेंज करने के लिए कहता है और एलिस निक के सामने ही उस ड्रेस को उतार देती है। ये देखकर निक भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हम एलिस और निक को बातें करते हुए देखते हैं। निक कल रात जो हुआ उसके लिए थोड़ा अजीब महसूस करता है और एलिस को भी ये सब भूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद निक अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चला जाता है और फिर स्कूल से अपनी कंपनी में जाता है जहाँ सब लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। निक इस परेशानी की वजह पूछता है और सीनियर बताता है कि तुम्हारे पासवर्ड से रोबोट वाले लॉकर को खोला गया। ये सुनकर निक को यकीन नहीं होता और ये बताता है कि मैं तो कल रात कंपनी में था ही नहीं, तो भला मेरे पासवर्ड से कैसे खोल सकता है। बातों के दौरान ही निक को एक कॉल आता है और निक को पता चलता है कि मैगी को हार्ट देने वाला डोनर मिल गया है और जल्द ही ऑपरेशन होने वाला है। ये खबर मिलते ही निक तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है और फिर मैगी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और सफल भी रहता है। कुछ समय के बाद मैगी की तबीयत जब थोड़ी ठीक हो जाती है तो निक उसे घर ले आता है, लेकिन अभी भी ज्यादातर काम एलिस ही करती है। इसके बाद हम एलिस को एक आदमी के साथ बदतमीजी करते हुए देखते हैं। ये आदमी एलिस से कहता है कि तुम्हें अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर एलिस कहती है कि मुझे रीसेट किया गया है इसलिए कुछ प्रोटोकॉल बाईपास कर सकती हूँ। रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं तो आयला कहती है कि मॉम से ज्यादा अच्छा खाना एलिस बनाती है। ये सुनकर मैगी को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए मैगी रूम से बाहर निकल के देखती है पर कोई होता नहीं है, लेकिन तभी मैगी का पैर फिसल जाता है और उसे थोड़ी चोट भी आती है। ये देखकर एलिस जल्दी से मैगी को उसके रूम तक पहुंचाती है। कुछ देर बाद निक से मिलने मोंटी आता है क्योंकि कंपनी से निकलने के बाद सभी का शक मोंटी पर ही जा रहा था, इसलिए उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन निक मना करते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन एलिस निक को बचाकर अंदर ले जाती है। मैगी की कंडीशन को लेकर एलिस कहती है कि वो कुछ दिनों तक जिंदा है, उसके बाद वो मर जाएगी। ये सुनकर निक एलिस पर गुस्सा करने लगता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलिस मोंटी से मिलने जाती है और उसके साथ साथ उसके रोबोट को भी मार देती है। अगले दिन जब निक कंपनी में जाता है तो उसे पता चलता है कि मोंटी मारा गया है। ये सुनकर निक को काफी हैरानी होती है। इधर हम मैगी को नहाते हुए देखते हैं। पास में ही एलिस भी खड़ी होती है जो मैगी को अपने और निक के फिजिकल रिलेशन के बारे में बता देती है, जिससे मैगी को काफी बुरा लगता है और गुस्से में मैगी एलिस को घर से बाहर निकाल देती है और एलिस गैराज में जाकर रहती है। निक जब घर आता है तो मैगी उसके साथ भी लड़ती है, लेकिन इसी दौरान उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एलिस इनके बच्चे को पानी में डुबोकर मारने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों अपने बच्चे को बचा लेते हैं और निक एलिस को काफी घायल भी कर देता है और फिर एलिस को सर्विस सेंटर में भेज देता है। यहाँ सर्विस के दौरान साइंटिस्ट को पता चलता है कि एलिस काफी सारे प्रोटोकॉल को बाईपास कर सकती है। एलिस काफी पावरफुल रोबोट थी इसलिए ये सभी सर्वर को कंट्रोल करने लगती है और एक रोबोट को कंट्रोल करके उसकी हेल्प से सभी लोगों को मार देती है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि बार में बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर एलिस भी निक से मिलने आ जाती है और बताती है कि मेरे लोग तुम्हारी फैमिली को मारने ही वाले होंगे। ये सुनकर निक काफी घबरा जाता है और एलिस को अपनी बातों में उलझाकर उसके ब्रेन का मेन पार्ट निकाल देता है, जिससे एलिस का सिस्टम ऑफ हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में दूसरा रोबोट निक की फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन मैगी अपने बच्चों को लेकर एक जगह छुप जाती है। पर थोड़ी देर बाद ये रोबोट फैमिली को ढूंढ लेता है और बस मारने ही वाला होता है कि तभी निक इसे भी आकर मार देता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है। लेकिन इन सब में निक को काफी चोट भी आ जाती है, जिसके कारण निक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और फिर हम पूरी फैमिली को एक साथ हंसी खुशी देखते हैं। इसके बाद एक पुलिस वाला रिसर्च के लिए उसी सर्वर के पास जाकर उसे ऑन कर देता है जिस पर एलिस का डेटा मौजूद था। इसे ऑन करते ही एलिस का ब्रेन भी ऑन हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।